तो वैसे अगर आप लोग मानो ना मानो, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि कैसे कुछ लोगों की ऑडियो की क्वालिटी उनकी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है जबकि वो एक स्मार्टफोन से शूट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी ऑडियो की क्वालिटी को कुछ ऐसा कर सकते हो ऐसी क्वालिटी से, मतलब पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो चुकी है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों को पता है जिनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन होती है और उन लोगों को नहीं पता जिनकी क्वालिटी बेकार होती है। चार टोटल चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड फोर्थ नंबर की चीज़ बिल्कुल मिस मत करना, ये आपकी क्वालिटी का लेवल पूरा चेंज कर देगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़ आती है कि अपनी ऑडियो कभी भी ऐसी जगह पर रिकॉर्ड मत करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही हो या फिर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो। सो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, आप ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करो, चाहे वो आपका स्टूडियो हो गया, अगर आपके पास स्टूडियो, आपका बेडरूम हो गया जहाँ पर आपके पास गद्दा है, कपड़े। मैं पसीनी ऐसी करता था कि मैं अपना गद्दा फ्लोर पे बिछाया था, मैं अपने कंबल ब्लैंकेट्स जो भी थे मेरे पास सब फ्लोर पे बिछाया था ताकि मेरी आवाज़ बाउंस ना करे, जब मेरी आवाज़ टकरे दीवार से नीचे फ्लोर पे टकरे तो वो वहीं पर अब्सॉर्ब कर ले। तो ये एक बहुत बजट फ्रेंडली तरीका है जिससे आप अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। अगर आप बाहर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आउटडोर में कर रहे हो, तो आप किन चीज़ों का ध्यान दे सकते हो, आप दो चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप अपने फ़ोन के आगे एक विंड स्क्रीन लगा सकते हो, कोई कपड़ा लगा सकते हो पतला जिससे हवा इसके अंदर डायरेक्टली ना जाए। और इसमें सेकंड चीज़, अगर आप आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हो, वो ये है हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करो, अपने माइक्रोफोन को। हवा इधर से इधर चल रही है, आप इस तरफ ऐसे माइक्रोफोन रखते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जो आप आउटडोर पर यूज़ कर सकते हो, और इनडोर पर आपको दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद एंड ऐसी जगह पर शूट करना है जहाँ पर आवाज़ गूंजे ना ज़्यादा। तो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करने की बात तो ऑलरेडी कर चुकी है, अब हमारी थर्ड चीज़ आती है माइक्रोफोन। वैसे ये माइक्रोफोन मैं बोलूंगा बुरा नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप एक एक्सटर्नल माइक भी बाय कर सकते हो जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ ही कनेक्ट कर लो। अब वो माइक कुछ भी हो सकता है, एक लेपल माइक हो सकता है, ये रोड का माइक है, लेकिन यहां पर मेरे पास बोया BY-MM M1 माइक है। तो ये एक माइक्रोफोन है जो आई थिंक 1000 के अंदर आता है, और अगर आप इसको लगाते हो तो आपकी क्वालिटी और ज्यादा अपग्रेड हो जाती है और आपको फोन ऐसे हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आप ऐसा एक शॉटगन माइक यूज कर सकते हो जिसको आप नहीं मतलब रख के रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी ऐसे आपको और बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। BY-MM1 भी आता है जो बजट फ्रेंडली है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप कर दूंगा। और थर्ड, आप ऐसे वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं और मैं बोलूँगा मेरे जैसे काम के लिए वर्थ इट नहीं है। अगर आप आउटडोर में ज़्यादा शूट करते हो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हो या नहीं लेना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल माइक लेने की। अभी भी हम इसी से रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरनल माइक्रोफोन से, और ऐसी क्वालिटी आपको मिल रही है थ्रू आउट द वीडियो। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मेंटेन अ डिस्टेंस। आपको अपने स्मार्टफोन से एक सही डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। वो डिस्टेंस क्या है, ना आपको ज़्यादा दूर जाना है ना आपको ज़्यादा पास आना है, आपको एक डिस्टेंस जो मेंटेन करनी है वो है 6 इंच से लेके 12 इंचेस। ये कैसे आप डिसाइड करोगे कितने इंच है भाई ये तो पता चले, वो आप कैसे डिसाइड करते हो, सिंपल सा तरीका है, अपने हाथ को ऐसे रखो और अपने स्मार्टफोन से अपने माइक्रोफोन से इतना दूर रखो। आपका माइक्रोफोन आपके बॉटम में होता है फ़ोन के, तो अपने माइक को इतना दूर रखो अपने मुंह से ताकि आपकी हवा की आवाज़ आपकी रिकॉर्डिंग में ना आए और आपकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर और आपके वोकल ज़्यादा क्लियर आए। अब आती है हमारी लास्ट चीज़, आपने सब रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली, अब आपकी आती है एडिटिंग की बारी। आपको अपनी एडिटिंग के थ्रू अपनी ऑडियो को और इन्हेंस करना है, अपने वोकल्स को और ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर बनाना है, तो उसके लिए हम एक डेमो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक डेमो तैयार करते हैं और उसको फिर एडिट करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर की हेल्प से। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो हमने यहां पर एक डेमो रिकॉर्डिंग रेडी कर ली है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, 7 सेकंड की रिकॉर्डिंग है सिर्फ। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं हमारे एडिटर की तरफ जो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। यहाँ पर लेक्सिस एडिटर ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज़ अपने को क्या करनी है, ओपन के बटन पर क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक किया, हमें वो रिकॉर्डिंग चूज़ करनी है जो हमने रिकॉर्ड करी है, जो वोकल्स हमने रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग है डेमो, मैंने इसको चूज़ किया, ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी ऑडियो आ चुकी है, वेव्स हमको नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ अपने को करना है, टॉप राइट पे अपने को तीन यहाँ पर बटन, तीन डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इफेक्ट्स के अंदर जाना है और नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना है। नॉर्मलाइज पे क्लिक किया, अभी आपको नज़र नहीं आएंगी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हो रही है, एक बार इसको हल्का सा प्ले करके देखते हैं। तो ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है जिसको हम लोग एडिट करने वाले विद द हेल्प ऑफ लेक्सिस ऑडियो एडिटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अगर आपको लगता है कि आपके बैकग्राउंड से आवाजें आ रही है
नॉइज रिडक्शन करना है आपको, बैकग्राउंड नॉइज को हटाना है, तो नॉइज रिडक्शन पे क्लिक किया इफेक्ट्स पे जाने के बाद, और यहाँ पर आपको जो मैं सेटिंग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आपको ये सेटिंग अप्लाई कर देनी है। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हूँ, यहाँ पर कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही। मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा, अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ जंप करते हैं, इफेक्ट्स पे गया और यहाँ पर नीचे जाके मैं इक्वलाइजर पे जाऊँगा। इक्वलाइजर पे जाने के बाद आपको ये सेम सेटिंग कॉपी एंड पेस्ट कर देनी है, मेरा ऑलरेडी सेट हो रखा है, ऑलरेडी जो मैंने पहले सेट करी है वो वापस से यहाँ पर आ चुकी है। आपको सिंपल चीज़ें क्या करनी है, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है जिसको हम लोग एडिट करने वाले विद द हेल्प ऑफ लेक्सिस ऑडियो एडिटर। अभी मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, आप थोड़ा सा समझ जाओगे इसको, आपके लिए फ्यूचर के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा रिकॉर्डिंग को एडिट करना। आपके जो लेफ्ट की चीज़ें जो आपको 32, 62, 125 ये फ्रीक्वेंसीज होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हमारी जो वेव होती है, अगर आप लेफ्ट से इसको कम करोगे तो आपका जो बेस है, जो आपकी आवाज़ में बेस होता है, लोज होते हैं जो आपके, वो कम हो जाएंगे। अगर आप इसको हाई करोगे तो आपका बेस बढ़ जाएगा। ऐसे अगर आप इसको हाई करोगे तो आपके बेस का जो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है वो और बढ़ जाएगा, अगर नीचे करोगे तो कम हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको अपनी आवाज़ थोड़ा मैं बोलूँगा तीखी करनी है तो आप इस सबसे राइट वाले को अगर सबसे ऊपर करोगे तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा शार्प हो जाएगी, और थोड़ा अगर ज़्यादा भी कर दोगे चुभने लग जाएगी। तो इसको एक सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, ये स्क्रीनशॉट जस्ट कॉपी कर लो और आप अपनी आवाज़ को एडिट कर लो। तो ये एक डेमो रिकॉर्डिंग है जिसको हम लोग एडिट करने वाले विद द हेल्प ऑफ लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका था कैसे अपने स्मार्टफोन से अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एंड लास्ट चीज़ कैसे आपको उस ऑडियो को फिर एडिट कर रहा है। पूरा मैंने आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा प्रोसेस कंप्लीट बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको और ऐसी वीडियोज़ मिल सके। अगली वीडियो मिलेंगी, तब तक के लिए टाटा।